उज्जैन में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की शुरुआत राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता के साथ हो गई। पहले दिन माधव सेवा न्याय परिसर में बनाए गए विभिन्न मंचों से देश के 19 राज्यों से आए 128 खिलाड़ियों ने योग प्रतिभा दिखाई। खेलो इंडिया के जरिए योगासन और मलखंब के क्षेत्र में 19 राज्यों के खिलाड़ी अपना हुनर दिखाने के लिए धार्मिक नगरी उज्जैन पहुंचे। इस दौरान खिलाड़ियों ने हैरतअंगेज योगासन किया। खेलो इंडिया के जरिए जो खिलाड़ी पात्र और प्रतिभावान होंगे उन्हें सरकार अपने खर्च पर प्रशिक्षण देगी। इसके अलावा उन्हें स्टाइफंड भी दिया जाएगा। योगासन के आयोजन में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि तमिलनाडु, पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ समेत 19 राज्यों के 128 खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। मैं आर्टिस्टिक सिंगल इवेंट में पार्ट ले रही हूँ। ऐसे ही चार और इवेंट होते हैं योगा में, हर एक बच्चा अलग अलग इवेंट में पार्ट ले रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में योगासन खेल का उद्घाटन शुभारंभ हुआ है, जो 3 दिन चलेगा, 1, 2, 3 फरवरी को। इसमें 19 राज्यों से कुल 128 प्रतियोगी भाग ले रहे हैं। इसमें 64 लड़के हैं, 64 बच्चियां हैं, लड़कियां हैं। इस प्रकार कुल 128 हैं और चार इवेंट्स होना है। इसमें ट्रेडिशनल है, आर्टिस्टिक सिंगल है, आर्टिस्टिक पेयर है और रिदमिक पेयर है। ये चार बॉयज के लिए और चार गर्ल्स के लिए कुल मिला के 8 इवेंट होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन यहाँ पे किया गया है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर दो खेलों को मौका दिया गया है, एक योगासना स्पोर्ट्स को और दूसरा आपके मलखम को। योगासना स्पोर्ट जो यहाँ आयोजित हो रहा है उसमें ट्रेडिशनल सिंगल और आर्टिस्टिक सिंगल, आर्टिस्टिक पेयर और रिदमिक पेयर, ये इतनी प्रतियोगिताएं चार प्रकार की यहाँ पे आयोजित की जाएंगी।